आप लोग मास्क का प्रयोग करिए, आए तो मास्क लगा के आए, जब तक दवाई नहीं रटा गया होगा दोहा। सुने मेरी बात, फिर आपको एक बार याद दिला दें कि पीछे हम जो आपको प्लान दिए हैं वो प्लान इतना आसान भी नहीं है। जब तक आप खुद पूरे अपने दमखम के साथ, होता है ना कि पूरा एनर्जी के साथ कि नहीं हमको हर हाल में करना है। कुछ लोग क्या हुआ कि एक क्लास की उसी में हालत खराब, अब नहीं जा रहे हैं। देखिए कंप्लीट क्लास करें और पूरा का पूरा काम करें। अच्छा अपलोड करवा दिए थे हम, जो कल पढ़ाए थे जितना चीज बताए थे उसको अपलोड करवा दिए थे। आप कॉपी अपना तैयार किए क्यों? क्या YouTube पे भी था वीडियो? चलिए मेरी बात सुने, इस बोर्ड पे हम जितना भी चीज लिखते हैं, चाहे 20 पेज लिखे 25 पेज लिखे, सबको ऐप पर अपलोड करवा देते हैं। ओके, आप लोग क्लास में नोट नहीं करते हैं। हम आपको बताएं कि हम क्यों अपना समय 5-10 मिनट हम लोग बर्बाद करें, 10 मिनट नहीं, लिखने में आधा आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। कोई लिख रहा, रुक जाइए सर 1 मिनट, सर आप जाइए सर, सर 1 मिनट रुक जाइए, अभी नहीं लिखे हैं। इस चक्कर में लगभग 35-40 मिनट, एक सेशन का 35 मिनट हम लोग बर्बाद कर देते हैं। हम आपको बताएं कि जितना भी चीज आपको बता रहे हैं ये आपके ऐप पर भी अपलोड कर दिया जाता है। जो भी हम आपको बताएं कि ऐप के लिए ऑनलाइन क्लास को भी सब्सक्राइब करवा लें सब लोग, वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपका जो भी आगे टेस्ट वगैरह जितना भी चीज होगा वो सारा ऐप पर होगा। ओके देन, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं अभी इनरोल नहीं करवाए हैं ऐप पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, नहीं पता हो तो नीचे ऑफिस में पता कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा देते हैं सारा पेज, सबका कॉपी तैयार होना चाहिए। एक कॉपी ले लीजिएगा और सब जो भी बता रहे हैं एकदम पॉइंट वाइज, मल्टीप्लीकेशन टाइप 1 टाइप 2 सबका कॉपी तैयार होना चाहिए। कॉपी हम चेक करेंगे रेंडमली, कॉपी लेके आना है आपको, हम रेंडमली चेक करेंगे जैसे इनका बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही सबका बना हुआ होना चाहिए। अच्छा पहले का ही बना हुआ है, खैर कोई बात नहीं, बना तो हुआ है। सुने मेरी बात को ध्यान दे, हम लोग कल क्या सीख रहे थे? मल्टीप्लीकेशन, नेचर क्या था? दो संख्याओं के गुणा में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना होता है। कल हम आपसे क्लियर किया है थे, जो बात आपसे संभव है हम वही बात करेंगे। हम कल आपसे क्लियर बताए थे कि जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस दरवाजे को लग सटा दीजिए, इसको सटा, स्टॉपर, उसके ऐसे नहीं, स्टॉपर बाबू, स्टॉपर उठा दीजिए, नीचे नीचे स्टॉपर लगा हुआ होगा, तो हम आपसे बताए थे कि आप नेचुरल तरीके में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं हो सकता, आइए आइए आइए, आ जाइए इधर, इस पे बैठ जाइए, इस पे बैठ जाइए, सब लोग लेट हैं। कल से नियम बना देंगे, जो लोग लेट 7:45 7:46 में आएगा उसके सर पे एक जग पानी डाला जाएगा और उसी स्थिति में बैठ के पढ़ाई करना है। क्या? फ्रिज का पानी, देखिए ये आइडिया दे रही है, फ्रिज का पानी डालिए। टाइम पे हुई है, अगर आप समय पे पहुंच क्लास नहीं पहुंच सकते तो बहुत खराब स्थिति है, तो बड़ा हम लोग बड़ा काम उठाए हैं।
और ये छोटा सा उसका एक स्टेप पूरा नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे करेंगे। हम आपसे क्या बता रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कल क्या बताए थे कि जब भी आप शुरू करेंगे एग्जाम प्रेशर में, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका नेचुरल चीज उभर के सामने आ जाएगा। कितना भी तरीका सीख लें लेकिन जब एग्जाम हॉल में आएंगे तो तुरंत 6:35 ऐसे ही शुरू हो जाइएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल तरीका में ही इन्वॉल्व होना है, कोई चीज चेंजेज करने का आप कोशिश नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए आप बच्चा से अगर टेबल पढ़े हैं हिंदी में 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 तो अभी भी वही काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 6 1 6 6 2 12 दिखाने के लिए, हमको किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जैसा आपका नेचुरल तरीका है उसी में इन्वॉल्व रहिए, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये बताए थे कि हम लोग सिर्फ वैसे चीज़ों पर काम करेंगे जो रियल में अगर नेचुरल तरीका से बनाए तो काफ़ी समय ले लेता है, और कुछ टेक्निक का यूज करे तो बहुत फास्ट करता है, तो वहाँ पर ज़रूर हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं बताने वाले हैं, बहुत कम टेक्निक जो हमारे लिए यूजफुल है और एग्जाम में बहुत प्रयोग होता है, वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को यहाँ सीख रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि दो संख्याओं के गुणा में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना हो। कल के क्लास को एक बार रिपीट कर देते हैं तेजी से। आपको बताए थे, कुछ लोग नए हैं क्लास में उनके लिए बता दें, आपसे बताए थे ये चीज कि देखिए दो नेचर क्या है, एक संख्या का सारा डिजिट 9 है। नेचर ये है कि एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना हुआ है, है? यहां भी देखिए एक दो संख्याओं के गुना में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना हुआ है, दो संख्याओं के गुना में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से, सारा डिजिट 9 से बना हुआ है तो बहुत फास्ट बनाया जा सकता है। हम आपको तरीका क्या बताए थे कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस 9 से हमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमें इस नंबर से लेना देना है। इसमें बताए थे फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद वाले डिजिट को एक ज्यादा, यानी इसको क्या बोलेंगे 6 और इसको 6, पहला डिजिट एज इट इज जैसा है वैसे ही, उसके बाद वाले डिजिट को एक ज्यादा, इस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, इसको 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 क्या बात है, इसको 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 करेक्ट। पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाले डिजिट को एक ज्यादा, और सारे डिजिट को हमें 10 बनाना, पहला स्टेप में सारे डिजिट को 10 बनाना। तो ये क्या है 6, क्या लिखें, ये क्या है 6, क्या लिखें, पहला स्टेप पूरा। सेकेंड स्टेप में ओरिजिनल नंबर को एक कम कर देंगे, यानी 56 है तो बस गुना कंप्लीट हो गया, तो इकाई 0 है तो 0 ही रहने देंगे। अभी आ जा रहे हैं, अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन आप लोग के मन में जितना सवाल रहेगा ना उसको एकदम आराम से पेशेंस के साथ रखना है, ओके। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप क्लास में तभी बेहतर, आई अप्रिसिएट यू, आप क्लास में आए तो हम बार बार पीछे कल के भी क्लास में बताए हैं, बेहिचक हो के जो पूछना हो मेरे, जो पूछना मतलब घर परिवार का बात में इसका, जो पूछना हो बेहिचक हो के पूछिएगा, जितना पूछना हो उतना पूछिएगा, ठीक है। हाँ, करना क्या है ना कि जब मेरा काम कंप्लीट हो जाए, जैसे जब भी मेरा काम कंप्लीट होगा तो हम बोलेंगे हम बता दिए, अब बताएं आप लोगों के मन में क्या क्या बात है, हो सकता है आपके मन का बात हम पहले ही जान लें, ठीक है। तो आपका मन का बात को दबाए रखना है, और जैसे ही हम बोलेंगे मेरे तरफ से फिनिश, अब आप लोग पूछें, जितना सवाल होगा उतना सवाल करेंगे, ओके। सुने मेरी बात को, इस हिसाब से इस क्वेश्चन इसको क्या समझेंगे, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, पहला स्टेप पूरा। अभी ये ओरिजिनल क्या है, क्या लिखेंगे 228, ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इसमें कितना भी आप नौनमायिकयासी करिए इससे तो फास्ट नहीं बन सकता। कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है ना, अच्छा सॉरी, कल हमको याद नहीं रहा कैमरा को ऊपर करवाने का, आज हम पक्का करवा देंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ, ये आप लोगों के हिसाब से ये डिजिट क्या है, क्या लिखेंगे? दो। ये क्या है? करेक्ट। क्या तेज लोग हैं भाई। सिक्स। क्या लिखेंगे? फोर। ये क्या है? क्या लिखेंगे? ये क्या है? क्या लिखेंगे? पहला स्टेप पूरा। ओरिजिनल संख्या 43, 58 लिखेंगे। एक कम करके गुना कंप्लीट हो गया। कितना भी फास्ट करे इससे फास्ट नहीं हो सकता। यहां समझे, ये क्या है? क्या लिखेंगे? ये क्या है? टू। क्या लिखेंगे? ये क्या है? क्या लिखेंगे? ये क्या है? क्या लिखेंगे? पहला स्टेप पूरा। दूसरा स्टेप 50, 16 है, एक कम कर दीजिए 50, 15। गुना कंप्लीट हो गया। कल हम आपको ये बात इतना सिखाए थे, इस पेज तक हम कल अपलोड भी कर दिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान सिर्फ एक चीज रखना है, दोनों तरफ डिजिट समान हो। इधर भी 2, 2, 4, 1, 5, ये 2, 4, 5 डिजिट। यहां देखिए 4 डिजिट, यहां भी 4 डिजिट, यहां पर 5 डिजिट, यहां भी 5 डिजिट, यहां पर 5 डिजिट, यहां भी 5 डिजिट। देखिए, आपका सवाल का जवाब इस स्लाइड में आ गया। आप बोले थे ना लास्ट में 0 हो, तो सब बात आपके मन का बात हम 14 साल से, पिछले 14 ईयर से सबका मन का बात पढ़ लिए हैं। जितना जितना बात मन में लोगों को उठता है वो सारा हम रख चुके हैं, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपका मन का बात है, बड़ा दिक्कत का बात है, सब मन का बात पढ़ लेते हैं। क्या क्या मन में आपके खराब खराब बात चलता है सब हमको पता है। सुने मेरी बात को, क्या कुछ तकलीफ हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिव जी नया नया शादी करके आए हैं, आप लोग इनको मुबारकबाद दे दीजिए। पहले शिव जी जाते थे 6 महीना 7 महीना में एक बार घर, आजकल सैटरडे को निकल लेते हैं। चलिए, ठीक है, जो सीखना होगा एक दिन शिव जी का क्लास लगा देंगे और हमको सीखना चाहिए, मैं सीखने के चक्कर में हम शादी कर लें। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 89146 है। हम आपसे क्या बताए थे, ये डिजिट क्या है? क्या लिखे? ये क्या लिखे? ये क्या लिखे? ये 10, 10 क्या लिखे? ये क्या लिखे? पहला स्टेप कंप्लीट। और ये 89146 है, 89 कोई कंफ्यूजन? देखिए, हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे, उसके बाद हम फंसाने का कोशिश करेंगे। आपको फंसना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ कहीं ना कहीं हम फंसा ही लेंगे। अच्छा, अभी नहीं फंसे। अच्छा, अगला सब बात बता देते हैं, चिंता मत कीजिएगा, सारा बात बता देंगे। आ जाइए ना, और देखिए ये लोग को लेट लतीफ लोगों को, हाँ कहीं और टाइम दिया रहता तो आधा घंटा पहले पहुंच जाते। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे कि आपको करना क्या है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। पहला डिजिट एज इट इज जैसा है वैसा ही, उसके बाद वाला डिजिट को एक ज्यादा समझना, यानी अगर 7 है तो क्या समझेंगे? इधर देख लीजिए, ऐसे मत कीजिए, इधर बता, नहीं ठीक लग रहे हैं। हम बता रहे हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट मेरे से बना रहना चाहिए, एकदम नजर से नजर मिलते रहना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नजर से नजर मिलने के बाद, तो हो जाने दीजिए ना, कहीं और होने से ज्यादा अच्छा है, मेरे से होगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। बैठ जाइए, सुने मेरी बात को, हम आपसे क्या बता रहे थे,
पहला डिजिट एज इट इज उसके बाद वाला डिजिट को एक ज्यादा। तो अगर मान लीजिए सेकेंड डिजिट 7 है तो उसको क्या समझेंगे, एक। 9 है तो, और 10 है तो 10। दूसरा डिजिट कभी 10 होगा, फंस गए। अरे दूसरा डिजिट जब भी होगा तो क्या होगा, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। डिजिट 10 कभी डिजिट नहीं है, याद रखिएगा, 10 एक नंबर है, 10 डिजिट नहीं है। ओके, डिजिट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या बताएं, ये 6 है तो क्या लिखेंगे, ये 5 है तो 5, ये 2 है 8, ये 9 नहीं 10 है तो 0। 10 को 10 बनाने के लिए 0 ही ऐड करेंगे ना, ये क्या है तो क्या लिखेंगे, पहला स्टेप क्लियर। अभी 89 146 है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अभी देखें आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम क्या बताएं आपसे, पहला डिजिट है, थोड़ा सा काम कीजिए और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बस आज भर थोड़ा तकलीफ कर लीजिए, ये कैमरा कल ऊपर हो जाएगा। क्या करना है कि नहीं ज्यादा दिक्कत हो तो साउंड इधर से काम चलाइए, अब वीडियो मोबाइल में देख लीजिए, यूट्यूब पे लाइव है। सुनिए, डाटा आप फालतू में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में लगाइएगा तो खत्म नहीं होगा। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे ना कि पहला डिजिट एज इट इज लेना है, तो इस हिसाब से ये क्या है, 4, क्या लिखेंगे, ये क्या लिखें, ये क्या लिखें, ये क्या लिखें, ये क्या लिखें, और 80193, यस और नो। सुने मेरी बात को, हम आप पहले से भी जानते होंगे, शुरू से बच्चा से ये काम करते आए हैं आप, कि आपको 300 × 5 करना है तो क्या 5 × 0 करते हैं, नहीं आप करते 5 × 3 = 15 और इस पर 2 जीरो बिठा देते हैं, यही करते हैं हम लोग भी, यही काम करने वाले हैं यहां भी। सुने मेरी बात, ये 2350 है तो अभी, तो अभी के केस में आप वैसे ही जैसे चलते हैं ना, ये नहीं कि 235 गुने इतना करें, ज्यादा इजी होगा। हम क्या बता रहे थे कि हम लोग क्या कर देते हैं तुरंत, 400 × 5 है तो हम लोग बोलते हैं कि 4 × 5 गुना कर लेते हैं 20 और इस पर 00 कर देते हैं। बट हम अभी क्या सिखाने जा रहे हैं आपसे कि आप वो चीज छोड़ दीजिए, हम आपसे क्या बताए थे कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज, है ना, बताया है, यानी ये 0 है तो 0 ही होगा, ये 5 है तो 6, ये 4 है तो 3 है तो 4, ये 2 है तो, तो हम क्या आपसे बोले, ये पहला डिजिट 0 है तो क्या लिखेंगे, यही ना। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि 0 को तो 10, कोई भी डिजिट को तो हम लोग 10 बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा लेट आने के कारण हर बार लोग एक एक मिनट लेट आ रहे हैं, तो एक एक मिनट क्लास स्लो होता है, तो आप कल से एकदम ध्यान रखेंगे स्ट्रिक्टली। अभी तो चलिए छोड़ दिए हैं, आज सेकंड क्लास है, बाद बाकी हम क्या करते हैं, दरवाजा लॉक करवा देते हैं, हाँ। तो फिर आप इधर भी कुछ लोग लिख रहे हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ शिव जी, सब लोग दुआ ही करते हैं कि ठीक ठाक बीते। अब सुन लीजिए मेरी बात को, रेडी हैं आप लोग, जीरो वाले पर देखिए, हम देखे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा। हम मेरा ये कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को तो 10 बनाते हैं, जैसे अगर यहां 1 रहता तो आप क्या लिखते, 9, 2 रहता यहां तो आप लिखते 8, 10 बना के लिखते, तो 0 है तो उस हिसाब से 10 लिखना पड़ता, लेकिन 10 तो डिजिट है नहीं। तो जब लास्ट में 0 आ जाए
बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट में जीरो आ जाए तो आप जीरो को भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए ये हटा दिए, तब तो संख्या क्या दिख रहा है, 235, तब संख्या दिख रहा है 230, तो 235, और तब पहला डिजिट क्या होगा, 5, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हम बोले क्या, अगर जीरो को हटा दीजिए तो आपके पास पहला डिजिट क्या दिख रहा है, और दूसरा डिजिट 3, और तीसरा डिजिट 2। पहला डिजिट को तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं, तो 5 है तो 5 ही समझेंगे, लेकिन इसको क्या समझेंगे, इसको हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आपका ही क्वेश्चन था। लास्ट में जीरो दिखा तो हम बोले लास्ट के जीरो को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए तो अब पहला डिजिट क्या बना, 2, तो 2 को 2 ही समझिएगा। इसको ये है क्या, हम लोग समझेंगे क्या, करेक्ट। अभी क्लियर हुआ, यानी जीरो को भूल के तब डिजिट को देखना है। तो हम ये आपसे बता रहे हैं कि हमें ये करना है, ये जीरो है तो इसके लिए जीरो ही छोड़ दीजिए, शुरुआत यहां से करते हैं, जो जीरो है तो जीरो रहने दिए, शुरुआत यहां से। तो ये क्या है, क्या बात है, बहुत अच्छा, तो क्या लिखें, ये क्या है, क्या लिखें, ये क्या है, क्या लिखें, ये 23.50 है, एक कम होगा, समझ में आ गया, आएगा कैसे, ना बहुत तेज आदमी आप। हम ये जीरो है और डबल जीरो है ना, तो सीधा उतार देते हैं डबल जीरो, उतार दिए, शुरुआत हम लोग यहां से मानेंगे, तो ये क्या है, क्या लिखे, और ये क्या लिखे, और ये क्या लिखे, 36200, तो एक कम करेंगे 36100, कोई डाउट। पढ़ाई को ना एक चीज हम आपको बता दें, खास करके मैथमेटिक्स में ये बात ध्यान रखिएगा, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहता है तो उनके लिए तो बहुत मजा होता है, नहीं तो मैथमेटिक्स को बोला जाता है बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि आप इसको अगर इंटरेस्ट लें तो आपको फिर मजा आने लगेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दुनिया में ऐसा कोई भी काम जो आपको डेवलप करता है उसमें मजा नहीं आता, जो सच्चाई बात बता दें, मजा किस में आता है, गप मारने में, फोन से बात करने में, हाँ मूवी देखने में, इधर उधर उन सब चीजों में मजा आता है। इस हाँ सुन, अलार्म बजे तो अलार्म बंद करके फिर से सो जाने में, लेकिन मेरी बात सुने, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहला काम होता है कि हम कोशिश करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने का, आपसे बात करते रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने का पहला प्रोसेस ये है कि हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा, आप ना देखिए, माइंड जो आपका दिमाग जो है ना, रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं कर पाता है, बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, पीछे गप मत कीजिए, आपका माइंड रियल और इमेजिनरी, वास्तविकता और काल्पनिक चीजों में फर्क नहीं कर पाता है, ये माइंड का सबसे बड़ा अगर निगेटिव बात है, और इसीलिए सारे लोगों का तकलीफ भी इसी बात का है कि दिमाग रियल और इमेजिनरी को फर्क नहीं कर पाता है। आप मान लीजिए बैठ जाइए, आप सोचिए एक बड़ा सा कार ले लिए, एक बड़ा सा बंगला, देखिए मन को उतना ही मजा आने लगता है, जो रियल में बंगला होगा उतना ही मजा आ जाएगा। हम खूब पढ़े, उसके बाद अचानक रिजल्ट आया, हम बन गए बैंक पीओ, फिर फोन किए, बताए मेरा पीओ में रिजल्ट, देखिए उतना ही मजा, उतना ही प्लेजर आने लगता, जबकि आप बने नहीं है, लेकिन मजा उतना ही आ रहा। मतलब माइंड ना रियल और इमेजिनरी को फर्क ही नहीं कर पाता, तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। आप बैठ के ना घंटों सोच सकते हैं, ख्वाब में जी सकते हैं, ख्वाब में ही लोग तब तो इसका ना बड़ा देखते हैं, आदमी एक एक घंटा सोचते रह जाएगा, क्या क्या कल्पना कर लेगा, सारा दुनिया घूम लेगा। तो जब इसका
गड़बड़ इफेक्ट है, तो जब ये जो कमजोरी है इसका हम लोग फायदा उठाएं, फायदा उठाएं। जब दिमाग को धोखा पसंद है तो हम लोग भी धोखा देंगे, मजा आए भी नहीं ना, तू भी फील कि अरे मजा आ रहा है। हाँ ये करने से होता है अपने, हाँ बड़ी यस बड़ा मजा आ रहा है। आप बार बार एकदम अपने आप को ऐसे आके बैठ, उदास उदास चेहरा लेके, लटकाया हुआ चेहरा लेके नहीं आना है क्लास में, घुसते ही फील करना मजा आएगा आज तो, और जबरदस्त मजा आएगा, आ रहा है ना। हाँ देखिए आगे, अभी तो गड़बड़ हो गया, डिजिट बदल गया, यहाँ दो डिजिट है यहाँ तीन डिजिट है, यहाँ पर चार डिजिट है यहाँ दो दो चार दो छह डिजिट है, यहाँ तीन डिजिट है यहाँ चार डिजिट है, यहाँ चार है यहाँ पांच डिजिट है। डिजिट का संख्या अगर 99 वाले का पार्ट इससे ज्यादा है, ज्यादा है, दो पार्ट होता है ना, एक 99 वाला पार्ट और एक ये, तो 99 वाले का पार्ट ज्यादा है, अगर ज्यादा हो, 99 का संख्या ज्यादा है अगर ज्यादा हो तब क्या करेंगे आपको बता दें। समझिए यहाँ पर दो डिजिट है, अगर यहाँ भी दो ही डिजिट होता तब तो आप बना लेते, कितना डिजिट एक्स्ट्रा है, एक 9 एक्स्ट्रा है, यस और नो। यहाँ फोर डिजिट है, यहाँ भी अगर फोर ही डिजिट रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं, कितना डिजिट एक्स्ट्रा है, दो डिजिट एक्स्ट्रा है, यहाँ एक 9 एक्स्ट्रा, यहाँ दो 9 एक्स्ट्रा, यहाँ तीन है, यहाँ तीन रहता एक 9 एक्स्ट्रा है, यहाँ चार है, ये दो दो चार एक पांच है, एक 9 एक्स्ट्रा है, यस और नो। करने का तरीका बड़ा आसान, आप वही काम कीजिए, ये क्या है क्या लिखे, ये क्या है क्या लिखे, पहला स्टेप पूरा, दूसरा स्टेप जाने से पहले जितना 9 एक्स्ट्रा है उसको उतार दीजिए, एक 9 एक्स्ट्रा उसको उतार दीजिए। अब दूसरा स्टेप में ये 67 है, क्या लिखेंगे, गुना कंप्लीट हो गया, ज्यादा भारी है क्या, क्या बोले हम करने को कि आप बस ये देखे कितना 9 एक्स्ट्रा है, एक 9 एक्स्ट्रा है, पहला स्टेप में ये क्या है क्या लिखे, ये क्या है क्या लिखे, ये क्या है क्या लिखे, पहला स्टेप पूरा कितना 9 एक्स्ट्रा तो उसको उतार दीजिए, दूसरा स्टेप में 331 क्या लिखे, 330 गुना आपका कंप्लीट हो गया, कोई कंफ्यूजन। देखें यहाँ कितना 9 एक्स्ट्रा है, पहला डिजिट क्या लिखे, दूसरा डिजिट क्या लिखे, ये क्या लिखे, ये क्या लिखे, अभी 2 9 एक्स्ट्रा उतार दीजिए, 24 59, 24 कोई कंफ्यूजन। सुने मेरी बात को, कुछ लोगों को देख रहे हैं ऐसे बैठे हुए हैं, देखिए बैठे रहिएगा आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, बोलते रहिएगा ना तो रिदम बना हुआ रहेगा, तो क्लास में चुप बिल्कुल मत रहिए, देखिए बात करने बोले यहाँ इसी मैटर पे डिस्कशन हो रहा, कितना बड़ा मुद्दा लगता है भारत पाकिस्तान का बात। सुने बेहतर आप तब कर सकते हैं, मेरे क्लास में जो लोगों का भीड़ होता है वो सिर्फ इस बात का होता है कि हम कोशिश करके, हम अपने प्रयास से आपको कनेक्ट करके यहाँ रखने का कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। हम ये भी तो हो सकता है ना फटाफट जीरो है ऐसे बता दिए निकाल दें, लेकिन हम आपसे बुलवा रहे हैं, बुलवाने का मतलब कि 90% काम हम आपका क्लास में करवा दे रहे हैं, और आप लोग भी जो भी ऑनलाइन, जैसे अभी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, भागलपुर से, जहानाबाद से, जो भी सेंटर और सेंटर से जुड़े हुए हैं, आप लोग वहीं पर बैठे हैं तो वहीं पर बोलिए, आप इमेजिन करिए, जब इमेजिन करने का सुविधा है तो करिए कि सर सामने में खड़े हैं, आप बोलते रहिए, वहां पर ही है तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो आप वहीं पर बोलिए जीरो। तो इसलिए ऑनलाइन सेंटर पर जो भी लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे कि वहां पर स्टूडेंट बोलते रहें, पहली बात, और जो मोबाइल पे क्लास कर रहे हैं वो भी घर में ही है कहीं बैठे हुए तो बोलते रहिए 01, बगल वाला सोचेगा, बगल वाले आपके
पेरेंट्स लोग सोचेंगे पागल हो गया बेटा मेरा, तो वो तो है। हम ये बता रहे थे जीरो के केस में, आप लोगों को याद होगा पीछे क्या किए थे। जीरो के केस में हम लोग ये किए थे कि आज ये नींद खुल गया, ऐसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, आदत आदत है इंतजार करवाने। सुने मेरी बात को, लास्ट में जीरो हो तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो को सीधा उतार के छोड़ देते हैं, यही ना करते हैं। ये जीरो है तो उतार दिए जीरो, शुरुआत हम लोग सेवन से करते, तो सेवन है तो क्या लिखेंगे, थ्री। इसके बाद ये क्या लिखे, ये क्या लिखे, पहला स्टेप पूरा, कितना नौ एक्स्ट्रा उसको उतार दीजिए, 35 3 5 6 9। कोई कंफ्यूजन, बहुत तेज लोग हैं आप लोग। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अभी तीन ही चीज हो सकता है, या तो 99 का संख्या बराबर हो, या ज्यादा हो, या कम हो। अभी क्या है, कम है, है ना। तो कम कम वाले केस में आपको बताते हैं, ज्यादा वाले केस में या बराबर वाले केस को आप समझ गए। कम वाले केस में थोड़ा अलग तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणा करने से ज्यादा आसान है घटाना, सब्स्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा आसान है सब्स्ट्रैक्शन। देखिए ये इसमें क्या करना है कि जो ओरिजिनल संख्या है, अगर कम रहे 99 तो जो ओरिजिनल संख्या है उसको उतारिए, यानी 340 उतार दिए। कितना 9 है, तो 2 9 है तो 2 0 इस पर लगा दीजिए, लगा दिए। और इसके बाद इसमें से माइनस कर लीजिए ओरिजिनल संख्या को, यानी 345 को। क्या करना है, ओरिजिनल संख्या उतारिए, जितना 9 उतना 0 बिठाइए और ओरिजिनल संख्या को घटा दीजिए। ये 10 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 4 से 3 गया 1, और ये 34। गुना करने से तो आसान है ना, क्या हम बताएं आपसे। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन नहीं है आपका, टूट रहा है। देखिए ये ओरिजिनल संख्या क्या है, 4 5 9 7, कितना 9 है, तो इस पे 3 0, क्लियर। अब माइनस 4 5 9 7, 10 से 7 गया, 9 से 9 गया, 9 से 5 गया, 6 से 4 गया, और ये 954, क्लियर है। हम आपसे क्या बता रहे हैं कि ओरिजिनल संख्या लिख लीजिए 2 4 1 1, कितना 9, तो 2 0 बिठाइए और माइनस कर लीजिए 2 4 1 1, घटा देते 10 से 1 गया, 9 से 1 गया, और ये 10, एक कैरी हो गया, तो ये 10, 10 से 4 गया, ये 10, 10 से 2 गया, और ये कितना 3 और 2। देखिए यहां 25100 है, 999 है ना। हम आपसे क्या बताए हैं कि 99 का संख्या कम है ना, आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, या तो आप ये 2 0 को छोड़ ही दीजिए। अगर इसको छोड़ दीजिए तब तो ये बराबर वाला केस हो गया, अब बराबर वाला केस तो बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, 1 है तो ये और ये 251 00 था, यस और नो। आप ये भी कर सकते थे, या आप अगर पूरा को ले लेते तो इस पर 3 0 बिठा के और इसको घटाते, तो ज्यादा अच्छा है कि अगर देखें ये 2 0 साइड किए तो 3 और 3 बराबर हो गया, तो बराबर वाला केस होगा। अब एक बात और सुने, ये जो तरीका बताए हैं ये तरीका उन दोनों पर भी लागू होता है,
जैसे पीछे ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन यही ले लेते हैं, ये ज्यादा वाले में भी और इक्वल वाले में भी ये माइनस का तरीका काम करेगा। जैसे 8 9 8 9 1 4 6 है, कितना 2 2 4 1 5 9, तो इस पर क्या देंगे 5 0। ओरिजिनल संख्या माइनस 8 9 1 4 6 है, 10 से 6 गया, 9 से 4 गया, 9 से 1 गया, 9 से 9 गया, 9 से 8 गया, और ये 5, ये 9, देखिए सेम चीज हुआ। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर इसलिए हम नहीं घटाए कि घटाने से ज्यादा आसानी से तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो क्यों घटाएं? क्लियर है? तो हम आपसे 9 9 का गुना मेरे तरफ से कंप्लीट कर दिया गया, हम आपको बताएं 9 का संख्या बराबर है या ज्यादा है, तो एक स्टेप में काम कर लीजिए, बराबर और ज्यादा के केस में वन स्टेप में आंसर कीजिए, कम के केस में माइनस करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग का जो भी सवाल है हम सुनेंगे। कोई भी कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, बढ़ जाए आगे। तो ये टाइप वन, हाँ पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, टाइप वन हमारा क्लियर हो गया, टाइप वन फिनिश। टाइप वन में मल्टीप्लीकेशन हम लोग शुरुआत क्या किए हैं, बेसिक कैलकुलेशन, टॉपिक का नाम बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन हर परीक्षा में आपका मदद करेगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? थोड़ा फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको बता दें, ये आप अभी वन वीक के बाद आपके पास में वक्त नहीं होगा कि आप बेसिक कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टॉपिक पर आ जाएंगे, 4 5 दिन में टॉपिक पर आ जाएंगे, तो जैसे ही टॉपिक पर आ गए उसके बाद तो आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। तो अभी दिन भर बैठ के कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस कीजिए, और वो प्रैक्टिस को आप दोहराते रहिए क्वेश्चन सब में, ठीक है? हाँ, अरे पगली, ये पूछने वाली नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर भी रहे, तो क्या 75 × 86 लिखिए, 75 × 86 और 86 × 75, इससे कोई फर्क पड़ता है? याद रखिए, हो गया ना, जान ले लीजिएगा क्या सब लोग मिलकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना में नंबर का पोजीशन चेंज हो जाने से कोई फर्क, आगे का पीछे, पीछे का आगे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में, टाइप टू। ध्यान दीजिएगा, तैयार है? टाइप टू, टाइप टू तो आप लोग ऐसे भी पहले से भी जानते होंगे, क्या करना है देखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, हमको भी मौका दीजिए। हम ये बता रहे थे आपसे कि नेचर पकड़िए, नेचर ये है, दो संख्या का गुना है और दोनों संख्या का सारा डिजिट वन से बना हुआ है, दो संख्या का गुना है और दोनों संख्या में सारा डिजिट वन से बना है। लेकिन यहाँ ये भी देख रहे हैं, यहाँ 3 times रिपीट हुआ, इधर भी 3 times, यहाँ 2 2 4 1 5 times, यहाँ भी 5 times, यहाँ 4 times, यहाँ भी 4 times, यहाँ 6 times, यहाँ भी 6 times, इक्वल टाइम रिपीट हुआ है। बड़ा आसान होता है और खूब यूज होता है परीक्षा में, बेसिक क्वेश्चन बनाने में बहुत यूज होता है इसका, खास करके बैंक का क्लरिकल का एग्जाम जो होता है उसमें कैलकुलेशन में अक्सर दे देता है 111 × 111 ऐसे अक्सर मिल जाता है। तो बड़ा सिंपल बात है, अगर इक्वल टाइम रिपीट हुआ हो, आज सब बात लिख लीजिए, सुन लीजिए, नहीं नहीं लिखिए ही नहीं ना, मेरे साथ बने रहिए, लिखने के लिए घर पे कॉपी मेहनत करना चाहिए ना। सुनिए, देखिए, इसको नंबर लिख के दी है जूली, देखिए इन लोगों का मन है कि सर बोल दीजिए ना, सब निकालेंगे टाइप शुरू, लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। सुनिए मेरी बात को, दिख रहा है नंबर वहां, देखिए स्क्रीन पे नीचे है,
है ना। सुने मेरी बात को, अरे आप लोग के क्या काम का है अब। सुने मेरी बात को, अगर इक्वल टाइम्स रिपीट हो तो बड़ा सीधा सा काम है। कितनी बार रिपीटेशन हुआ है तो एक से तीन तक जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार एसेंडिंग बढ़ते क्रम में जाएंगे, फिर घटते क्रम में वन तक चले जाएंगे। देखिए आपको एक सवाल हम बताते हैं, उसके बाद आप लोगों से, आप लोगों को बोलना है। जैसे थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो वन वन टू थ्री टू वन, तीन टाइम्स रिपीट हुआ है तो तीन तक जाइए फिर घटते हुए वन तक आ जाइए, कैसा लगा। देखिए यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है, स्टार्ट वन टू थ्री फोर थ्री टू वन हो गया, कितनी बार रिपीट हुआ है बोलिए, वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन, उस पर्दा को लगा दीजिए, तो वो पीछे पर्दा से हटा दीजिए। ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, सिक्स टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ब्रेक भी लगाना पड़ता है। ये तो गड़बड़ हो गया, इक्वल टाइम रिपीट नहीं हुआ है, इक्वल टाइम रिपीट नहीं हुआ। कौन कहानी, कौन धारावाहिक का बात कर रहे थे, और धारावाहिक का बात नहीं कर रहा, नहीं देखते। चलिए सुनिए मेरी बात समझे, इक्वल टाइम रिपीट होता तो ठीक है, इक्वल नाराज हो गए। अरे तो डांट कह रहे हैं। सुने मेरी बात को, हम ये बता रहे थे इक्वल टाइम रिपीट नहीं हुआ, अगर इक्वल टाइम रिपीट होता तब तो ठीक था, ये चार बार और ये चार बार रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एक्स्ट्रा है, अगर एक बार एक्स्ट्रा हो तो सबसे बड़े वाले डिजिट को एक बार एक्स्ट्रा लिख देना है, अगर दो बार एक्स्ट्रा हो तो सबसे बड़े वाले डिजिट को दो बार एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पर हमारा फॉर्मेट बनेगा फोर रिपीटेशन का, फॉर्मेट बनेगा फोर टाइम्स रिपीटेशन का, और एक एक्स्ट्रा है तो सबसे बड़े वाले को एक बार एक्स्ट्रा लिखेंगे, यानी फॉर्मेट तो वन से लेके फोर तक का जाएगा, वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन, बात समझ में आया। सुनिए यहाँ हम ये तीन फॉर्मेट जाएगा थ्री का, फॉर्मेट जाएगा थ्री का, और बड़े वाले डिजिट को कितनी बार एक्स्ट्रा, दो बार एक्स्ट्रा, यानी वन टू थ्री 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 टू वन, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ये चार था, यानी फॉर्मेट जाएगा चार का, और बड़े वाले डिजिट कितना बार एक्स्ट्रा, दो बार एक्स्ट्रा, तो हम क्या लिखेंगे, वन टू थ्री फोर 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 थ्री टू वन, क्लियर है। अब आप बताइए ये वाला आठवां, चलिए क्या हम माइक आप लोग के लिए भी रखे हुए हैं। हाँ जी, ऐसे कैसे सुन, आवाज जा रही है? नहीं है, आवाज नहीं जा रही है, काम कर रहा है।
हेलो है आवाज है। चलिए बोलिए, वन टू थ्री। कितना खुश है। देखिए ये थ्री टाइम्स, ये भी थ्री टाइम, यानी फॉर्मेट थ्री का जाएगा और तीन बार एक्स्ट्रा जाएगा, यानी वन टू थ्री, थ्री 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 टू वन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टाइप थ्री में आ रहे हैं। टाइप वन फिनिश, टाइप टू फिनिश। टाइप वन में दो संख्या के गुना में एक संख्या का सारा डिजिट नौ से बना हुआ था। टाइप टू में दो संख्या के गुना में दोनों संख्या वन से बना हुआ था। टाइप थ्री में दो संख्या के गुना में कोई एक संख्या वन से बना हुआ, कोई एक संख्या वन से बना हुआ। करना क्या है, सुने मेरी बात को, गुना करने से ज्यादा आसान होता है जोड़ना। हम कैसे करने जा रहे हैं समझिएगा। यहां क्या ध्यान देना है कि अगर तीन टाइम्स वन है तो थ्री स्टेप तक जोड़ना है। तीन टाइम्स वन तो थ्री स्टेप तक जोड़ना है। फोर टाइम्स वन रहेगा तो फोर स्टेप तक जोड़ना है। टू टाइम्स वन है तो टू स्टेप तक जोड़ना है। थ्री टाइम्स वन तो मैक्सिमम थ्री स्टेप तक ऐड करना है। क्या कैसे ऐड करते हैं, इससे बस इतना मतलब है कि ये तीन वन है, यानी थ्री स्टेप तक जोड़ना है। जोड़ने का मतलब जैसे ये टू थ्री फोर, वन टू थ्री है, तो ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये तीन, फिर ये दोनों जोड़ेंगे तीन दो, फिर ये तीनों, तीन दो पाँच एक छः, फिर ये तीन दो पाँच एक छः चार दस, ऐसे। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर तीन बार रिपीटेशन है तो एक बार में मैक्सिमम तीन डिजिट जोड़ेंगे, उसके बाद एक एक छोड़ना है। अगर चार टाइम्स रिपीटेशन होता है तो मैक्सिमम चार स्टेप जोड़ेंगे। तो करना क्या है, देखें, इसको ऐसे करते, थ्री टाइम्स वन है ना, ये चार, चार दो, चार दो छह तीन, तीन स्टेप पूरा हो गया ना। अब इस डिजिट को छोड़ देंगे, दो तीन पांच दो सात, फिर इसको छोड़ देंगे, तीन दो, फिर इसको छोड़ देंगे, गुना कंप्लीट हो गया। फिर से समझिएगा क्या करना है ना, आप जब तक हाँ बोलिएगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा आदत है। आप बोलिएगा ओके देन हम आगे बढ़ेंगे, आप बोलिएगा नहीं तो हम यहीं चिपके रहेंगे। ठीक है, ऐसे हम आसानी से नहीं हार मानते हैं। देखिए कितनी बार रिपीटेशन हुआ, तो आप मैक्सिमम तीन स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम तीन स्टेप, जैसे ही तीन स्टेप पूरा हुआ उसके बाद एक एक डिजिट को स्केप करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर, चार दो छः तीन, होगा यहाँ तीन डिजिट है तो तीन डिजिट पूरा। जैसे ही तीन डिजिट पूरा हुआ इसको छोड़ दीजिए, दो तीन पाँच दो, फिर इसको छोड़ दीजिए, तीन दो, फिर इसको छोड़ दीजिए। एक बार लास्ट टाइम हम फिर से बता रहे हैं, आप बस ये ध्यान रखिए, यहाँ तीन है ना तो बस तीन डिजिट पहले लिखना है। तो यहाँ से ये, फिर ये, हाँ भाई गलती हो गया माफ कर दीजिए, कर दिए। ये क्या लिखे, चार दो, चार दो छः तीन, तीन डिजिट है, तीन डिजिट पूरा, इसको दो तीन पांच दो छोड़ दिए, छोड़ दिए, कितना छोड़िएगा, इसको छोड़िए, काम खत्म। ठीक लग रहा है,
यहाँ मिलता है नहीं, छोड़ने में खुश हो रहे पागल। सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे जो बोले हम वही समझिएगा, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है हम बोलते कुछ और हैं समझ रहे कुछ और, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। सुनिए मेरी बात को, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? तीन स्टेप तक जाएंगे, कितना? छ चार दस का कैरी, छ चार दस दो बारह कैरी वाला एक, तेरह का कैरी, अच्छा कैरी वन ये याद रखिए, अब तीन डिजिट पूरा हो गया, यहाँ तीन वन है तीन डिजिट पूरा हो गया तो छोड़ेंगे, छोड़ दिए, कैरी वाला मत भूल जाइएगा, चार एक पांच दो सात तीन दस का कैरी वन, दो एक तीन, तीन तीन छः, कोई कंफ्यूजन? कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? तीन डिजिट तक तो ऐड करेंगे उसके बाद छोड़ना शुरू करेंगे, ये कितना? तीन दो पांच तीन, बस तीन डिजिट पूरा हो गया। अब दो तीन पांच एक छः दो, मान गए गुरु आप लोग महान हैं, करेक्ट, आप ही लोग सिखा रहे हैं, करेक्ट बिल्कुल सही, क्यों ये हम गलती कर दिए, दो तीन पांच एक छः दो आठ कर दिए, जबकि ये तीन डिजिट है तो एक बार में तीन डिजिट से ज्यादा, बहुत तेज है आप लोग भाई, कहाँ से आए हैं सब लोग, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, हम फंसाने के चक्कर में लेकिन आप लोग फंस नहीं रहे, जितने टाइम रिपीटेशन है उसको जोड़ने के बाद वाली डिजिट्स को एक साथ ऐड करना है, फिर एक डिजिट को छोड़ के सभी को एक साथ जोड़ना है, क्या बात है मोहसिन, ठीक है। अब देखिए एक, हाँ सुने मेरी बात को, ये ध्यान देना है हमें कि तीन है तो मैक्सिमम तीन डिजिट जोड़ेंगे, तो ये तीन तो लिख दिए, तीन दो पांच तीन आठ, फिर सुनिए ये तीन दो पांच तीन, तीन डिजिट पूरा, इसको छोड़ दिए, दो तीन पांच एक इसको छोड़ दिए, तीन एक चार दो छः इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? अच्छे से मैक्सिमम काम हम यहाँ ही करवा देंगे, ठीक है, लेकिन आपका काम है यहाँ से जाने के बाद उसका रिवीजन करना। आपको जो हम बताए थे फर्स्ट फेज क्लासरूम प्रोग्राम जो आपका 12 बजे तक चलता है, ठीक है, क्लासरूम के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है, तो अभी प्रैक्टिस सेशन, अभी तो थोड़ा सा पढ़ाई है तो अभी क्या प्रैक्टिस में देंगे, थोड़ा सा कलेक्ट हो जाए तो अगले मंडे से पूरा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट 8:30 बजे तक का आपका तैयार हो जाएगा। हाँ एक सप्ताह पहले पढ़ा लेने दीजिए, कुछ थोड़ा तो पढ़ा दें तब ना प्रैक्टिस में आपको भेजेंगे, ठीक है, तो अभी इसलिए एक सप्ताह है, एक सप्ताह में इसको पूरा रिविजन कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, ये क्या लिखें, तीन दो पाँच चार नौ तीन बारह का कैरी, एक डिजिट छोड़ देते हैं, दो एक तीन चार सात तीन दस दो, बस बारह का दो कैरी वन, चार डिजिट से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, इसको छोड़ दिए, चार एक पाँच तीन आठ दो दस तीन तेरह का कैरी, इसको छोड़ दिए, तीन एक चार दो छः तीन नौ एक दस का कैरी, इसको छोड़ दिए, दो एक तीन तीन छः एक इसको छोड़ दिए, तीन एक इसको छोड़ दिए, कोई कन्फ्यूजन? देखिए यहाँ दो दो चार एक पाँच डिजिट, पाँच तो लिखिएगा, ये दो तीन पाँच दो सात एक आठ दो दस का कैरी,
आप पांच डिजिट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। 3-1-4-2-6-1-7-2-9-1-10 का कैरी, 2-1-3-1-4-2-6-1 इसको छोड़ दिए, 1-2-3-1 इसको छोड़ दिए, 2-1 इसको छोड़ दिए। क्लियर है? अरे ये क्या हो गया, चार डिजिट तक तो हमको हर हाल में जाना है ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक से एक लोग धुरंधर बैठे हुए हैं। सही बात है। देखिए नियम क्या है कि चार वन है तो चार डिजिट जाने के बाद ना छोड़ेंगे, लेकिन यहां मिला तीन ही, चाहिए हमको चार, तो कैसे छोड़ेंगे। एक उपाय है, आगे जीरो लगा देते हैं। आगे जीरो लगा देंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो है नहीं जीरो, लेकिन मन में यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, अब तो चार डिजिट जा सकते हैं। ये कितना, 1-3-4-2-6-0, ठीक है, अब तो चार डिजिट हो गया ना, अब इसको छोड़ दीजिए, 3-2 इसको छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आया, फिर से, चलिए फिर से कर देते। हम ये बोल रहे थे कि यहाँ चार स्टेप, ऐसे हम तो जीरो नहीं लगाते, ऐसा नहीं कि जीरो लगाना है, ये गणित का नियम है। ये हम मन में ही सोच लेते हैं जीरो है, यानी हमको चार स्टेप जाना है, तो 1-1-3-4-2-6-0 क्या, अब एक छोड़ दीजिए, 3-2 इसको छोड़ दीजिए। नहीं समझे? ठीक है, यहां देखिए 2-2-4-1-5, पांच डिजिट लिखने के बाद छोड़ेंगे। यस और नो? तो ये कितना, 5-2-7-3-10 का कैरी, फिर जोड़िए 5-2-7-3 कैरी वाला एक कैरी, फिर जोड़िए 5-2-7-3 कैरी वाला वन, पांच डिजिट गए ना, अब छोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा, इसको छोड़ दीजिए, 2-3-5-1 इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, देखिए फॉर्मेट। हाँ बोलिए, हाँ फिर से बता देंगे, एक बार जितना बार आप बोलिए, आप ही के लिए हम बोले क्या कि यहां पर आपको क्या मन में सोचना है, यहां जीरो यहां जीरो, पांच डिजिट है तो इधर तो पांच डिजिट रहेगा, तब ना पांच स्टेप जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये 5-2-7-3-10 का कैरी, अब 5-2-7-3-10 और जीरो, दस ही कैरी वाला वन, 11, फिर 5-2-7-3-10-0-10-0-10 कैरी वाला वन, अब पांच डिजिट पूरा हुआ। तो हम ये कहते हैं ना, मेरा ये कहना है कि जीरो क्या लगाएं, आप ऐसे ही मन में सोचिए कि आपको पांच डिजिट जाना है, तब तक पूरा जोड़ते रहिए जब तक कि पांच डिजिट पूरा ना हो जाए, सारे को टोटल को तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि पांच डिजिट पूरा ना हो जाए। तो हम पहले लिखे 5, फिर 5-2-5-2-7-3-10 का कैरी, अभी तो पांच नहीं है ना, तो सारे को फिर जोड़ दीजिए, कितना, 10 कैरी वाला एक, अभी भी पांच डिजिट पूरा नहीं हुआ, पूरा जोड़ दीजिए कैरी वाला वन, अब पांच डिजिट पूरा हो गया, तो अब छोड़ दीजिए, 2-3-1 हाँ जी हाँ हाँ। और ये अभी समझ में आया पक्का? अभी देखिए फॉर्मेट सेम है, इसको भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि ऐसे तो ये नियम हम लोग क्या सीखे हैं, 1-1 वाला। यस क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम बोले क्या कि हम लोग को नियम पता है, 1-1 का रिपीटेशन हो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गया, 2-2 का रिपीटेशन होना चाहिए, 1-1 का रिपीटेशन है, 2-2 का रिपीटेशन। ठीक है, सुन लीजिए क्या लिख रहे हैं मेरे साथ, देखिए इसीलिए हम लिखना, इतना सारा खर्च किया गया है, ये सब सिस्टम लगाया गया है, इसलिए
कि और सब लोग जो काम कर रहे हैं हम उससे थोड़ा अलग कर सकें। क्योंकि होता क्या ना, लिखने का भी जब काम होता है, आप तो मेरे क्लास में कॉपी को बंद ही रखिए, ऐसे बंद कर दीजिए। हाँ, लिखने के काम में ना आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। तो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, हम पढ़ा थोड़े ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हिस्सा लीजिए, 90% तो आपको यही याद करवा देंगे। करना क्या है, देखिए टू टू है ना, थोड़ा सा सोचते हैं अब काम, पढ़ाई के साथ साथ टेक्निक के साथ साथ थोड़ा सोचना भी। हम लोग को रूल पता है 1-1 का रिपीटेशन का, लेकिन ये 2-2 का रिपीटेशन है। तो क्या हम ऐसा लिखे 23-24, ये 222 को 102 लिखेंगे, कोई रोक लेगा क्या? काहे रोकेगा, कुछ गलत काम कर रहा है, गलत काम करेंगे तब ना कोई रोकेगा। अब इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं, कितना लिखे, 4-2, 6-3, इसको छोड़िए, 2-3, 5-2, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ये यहाँ से यहाँ तक इनटू, अब ये होगा 4 × 2 = 8, 6 × 12 = 2, 9 × 18 = 19, 7 × 6 = 18, 8 × 24 = 1, 5 × 15 = 2, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? क्या हो गया, आप भी नाराज हो गए? आ रहे हैं, ठीक है, आ जाइए। कोई कंफ्यूजन? टाइप 3 फिनिश, टाइप 4 में आते हैं, रेडी? सुने मेरी बात को, जब दो संख्याओं का गुना करना हो, सीधा 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 होके बैठिए, बूढ़ा जैसे झुक जाते हैं। आप लोग इजाजत दीजिए अगर, तो हम आप लोग को पूरा सीधा कर देंगे, बीच में रड लेके चार आदमी को खड़ा कर देंगे, जो ऐसे हुआ। सुनिए मेरी बात को, देखिए इंटरेस्ट लीजिएगा, ठीक है? दो जब गुना है, इधर देख लीजिए, ऐसे मत कीजिए कैप वाले भाई साहब। सुनिए पूरा एकदम रंगीन रंगीन, सुनिए, हम ये बता दें कि दो संख्या का गुना है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का, दोनों संख्या का बेस 100 होना चाहिए, बेस पहला का भी 100, दूसरा का भी 100, 100 होने का मतलब क्या, 100 के आसपास होना चाहिए, 100 के आसपास मतलब 107, 108, 115, इधर भी 103, 104, मतलब दोनों का बेस 100 होना चाहिए। आपके मन में हो सकता है सर कितना आसपास, जितना आपका औकात है, जितना आपका औकात है मतलब क्या, जितना आपको टेबल याद है। अब आपको टेबल 8 ही तक का याद है तो 8 एक्स्ट्रा तक चलेगा, अगर टेबल 12 का याद है तो 12 एक्स्ट्रा टेबल से याद आया। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही सही, आप टेबल पर काम कीजिए, टेबल जिसका जितना अच्छा होता है उसका कैलकुलेशन उतना फास्ट होता है। तो टेबल आप अभी से याद करना नहीं, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए आज दो दिन में ना पूरा टेबल रट जाएंगे, वो आप जितना तेजी से रटेंगे उतना तेजी से भूल भी जाएंगे। टेबल पर काम करने का जरूरत है, एक एक टेबल टारगेट लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज ही, मतलब देखिए ना से हाँ सही, अगर आपको नहीं याद है कोई एक टेबल शुरुआत कीजिए, टेबल का शुरुआत 2 से 30 तक का टेबल आपको याद रहना चाहिए, 2 से 30 तक का टेबल। हाँ, आपको अभी याद होगा, मैक्सिमम लोगों को 11 तक लगभग सबका रहता है, क्या 20 तक याद है, 17-18 तो ऐसे उस तरह नहीं याद है, तो गुना करने वक्त 17-17, 17-17, 17-51 ऐसे करिएगा। टेबल का मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट याद हो, जैसे 8-5 आपके जवान पे है 40, 8-5 देखने के लिए आप थोड़ी बोलते 8 का 8, 8 × 16, 8 × 24, ऐसे नहीं करते,
मतलब क्या डायरेक्ट याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं टेबल याद होना। तो डायरेक्ट याद नॉर्मली हम देखे हैं 11 तक सबका ठीक रहता है, उसके बाद हालत ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद नहीं, आपको 2 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए। और टेबल याद कीजिए पीछे से, मतलब स्टार्ट कीजिए 29 से। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, वही दिमाग को धोखा देने वाली बात, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता, अच्छा 29 का याद हो। अब 12 का याद कीजिए, तो लगेगा कि बच्चा में तो याद किए ही थे, थोड़ा बहुत भूले थे, तो कुछ लगेगा ना काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा याद कीजिए 29 का। याद लैंग्वेज मायने नहीं रखता, आप 29 1 या 29 29 2 या 58 जैसे बच्चा से पढ़े वैसे कीजिए, या 29 का 29 28 29 या 27 28 116 125 145 ऐसे करके। हमको तो टेबल ऐसे ही याद नहीं है। मान लीजिए 11 का आप लोग कैसे, 11 दहें 110 तक जाते हैं, 11 का 11 11 दूनी 22 11 33 11 34 45 55 11 56 67 11 77 11 88 89 90 11 दहें 110। उसके आगे भी हम याद किए हुए, 11 11 121 11 12 132 11 13 143 11 14 115 115 116 165 116 176 ये भी हमको याद है। आप 12 दहें 120 याद करते हैं, 12 98 12 9 108 12 दहें 120। हमको उसके आगे भी याद है, 12 11 132 12 12 144 12 13 156। आप 12 × 13 आता है तो हमको तो सीधा याद ही है 156। आप गुना करिए ना, आप गुना कीजिए 13 × 26 6 13 13 2 15, हमको तो ऐसे ही याद है। ठीक है, तो टेबल पर आप लोग को काम करना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि जिसको टेबल याद नहीं है उसको नौकरी नहीं होता है, ऐसा थोड़ा ही है, हो ही जाता है। लेकिन थोड़ा एज मिल जाता है, जिसको टेबल याद होता है उसको थोड़ा एज मिल जाता है। कैलकुलेशन में टेबल ही टेबल मिलेगा आपको। 10 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन में कम से कम 15-20 बार आपको टेबल का जरूरत पड़ जाएगा। कोई भी सेट लेके बैठिए बनाने के लिए 15-20 बार कहीं ना कहीं टेबल का जरूरत पड़ ही जाएगा। इसलिए टेबल जिसको जितना याद है उसके लिए उतना अच्छा है। तो टेबल कम एटलीस्ट 30 तक का तो टेबल जरूर याद कीजिए, 2 से 30 तक का टेबल याद कीजिए, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 तक का स्क्वायर एक चार्ट पेपर ले लीजिएगा और चार्ट पेपर लेके उसमें 2 से 30 तक का टेबल, 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब, ये लिख लीजिएगा। लिख के जहाँ और सब पोस्टर आप चिपका के रखे हैं उसको हटा के, उससे फालतू का दिमाग ही खराब होता होगा, उसको हटा के इसको चिपका दीजिएगा और इसको हटा के इसको चिपका दीजिएगा। और ऐसा नहीं करना है, सुने मेरी बात को, ये नहीं कि बैठ के रट रहे हैं, नहीं, ये एकदम मत कीजिए। देखिए आपको, देखिए बचपन में आप कोई चीज़ याद नहीं किए थे लेकिन आपको आज भी 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल अब जाने वक्त ही साथ में ही जाएगा, बीच में जाने वाला नहीं है। जबकि आपको याद भी नहीं है कि वो टेबल आप कैसे याद किए थे, आप बस ऐसे ही आपके भाई बहन माँ पापा अंकल आंटी यही लोग हंसते खेलते सिखा दिए थे, आप एकदम मन मतंग जैसे याद किए थे। 2 का 2 2 2 4 2 3 6 हम नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा बाबू बोले दो, नहीं सिर्फ एक बोल दो तो हाँ चॉकलेट मिलेगा। तो आप ना टेबल याद कीजिए, टेबल चार्ट पे लिखा हुआ है, आप एकदम सीधा कुछ नहीं, नियम बना लीजिए, सुबह सुबह उठना है, उठने के बाद बस एक टेबल को पकड़ लीजिए 29 को और कुछ नहीं, बस देख के पढ़ देना। हम बोल रहे हैं बार बार याद नहीं करना है, याद करिएगा भूल जाइएगा। जैसे मन में सोचा 29 28 29 30 27 गए, हम बोले क्या कि वो नहीं टिकेगा, ड्यूरेबल नहीं है। मेरी एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, हम कभी याद करने का कोशिश नहीं किया, याद करिएगा वो भूल जाइएगा। आपको क्या रिदम में आना है, आप बस जाइए उस चार्ट पेपर टंगा हुआ उसके सामने खड़ा हो जाइए और बस आप पढ़ दीजिए। एक बार मेरी बात मान के देखिए, आप बस उसको देख के, कुछ नहीं करना है, बस देख के पढ़ देना 29 28 29 30 27 देख के पढ़ना, इससे आसान काम कुछ है। तो क्यों वक्त नहीं बर्बाद करना है टेबल में, वक्त नहीं बर्बाद करना। आप टेबल इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि गणित का समय हम बर्बाद कर दें उसके लिए, कुछ नहीं। सुबह उठे अपना ब्रश करने जा रहे हैं या पेस्ट लगाए अपना देख के 28 29 27 28 29 30 देख के पढ़ दीजिए, कुछ नहीं। 5 टाइम्स 5 टाइम्स सुबह
पढ़ दीजिए देख के, फिर रात में सोने लगिए, सोने से जस्ट पहले एक बार जाइए। लेकिन हम बोले ना कि इतना किसी से नहीं होता है, टेबल चार्ट पे लिख के टांगने में लोग 1-2 महीना लगा देंगे, आज ही चार्ट पेपर पर तैयार करके लगा दीजिएगा और शाम में रात में सोने से पहले एक बार देख लीजिए, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम। तो 5 बार सुबह 5 बार शाम आपको पढ़ देना है। ये सुन लीजिए ना मेरी, 1 मिनट बात सुन लीजिए, इंपोर्टेंट बात बता रहे हैं, बस पढ़ दीजिएगा, इट डजेंट मैटर, कोई भी इस पर जोर मत दीजिएगा कि हमको याद करना है। 2-3 दिन के बाद 29 का 29 29 दुनिया 58 29 तिया 87, इतना तो हो जाएगा ना, हमको ज़्यादा से मतलब नहीं है। आप 29 तिया 87 याद है आपको, आप एक अच्छे तरीके से एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुका है 29 तिया 87। तो जो भी काम करे ना, होता क्या ना, हम लोग हड़बड़ी में ना संख्या काउंटिंग ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं कि 10 टेबल याद कर लिए, 15 टेबल, काम तो देगा जो डायरेक्ट याद है। तो 29 का टेबल जैसे पूरा रटा गया, एक समय ऐसा आएगा चाहे 10 दिन लग जाए, लेकिन आप बस जाके पढ़िए, याद नहीं करना है, बस पढ़ देना है। पढ़ते पढ़ते एक समय ना आपको आपके जवान पे वो चढ़ जाएगा, वो रिदम में आ जाएगा। जब रिदम में आ जाएगा ना, तो 28 पे मत चले जाइएगा, तब क्या कीजिएगा, जब 29 पूरा रिदम में आ गया तब कोई गुना ले लीजिएगा, 3 2 7 4 8 20 ऐसे ले लीजिएगा और गुना कीजिए। अब क्या होगा ना, रिदम में तो आएगा, लेकिन आप 29 चौक जाने में ना 29 28 29 27 29 चौक 116 करने लगिएगा। तो इसी गुना को ना आप तब तक बनाते रहिए जब डायरेक्ट ना हो जाए 29 चौक 116, तब इससे क्या होगा ना, आपका 29 पर पूरा कमांड हो जाएगा। देखिए, हम मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितना भी करें परफेक्ट करें, जितना भी करें परफेक्ट करें, आधा अधूरा नहीं करें। तो एक टेबल याद करें, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लें और 1 से 20 तक का क्यूब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं होगा, आप क्यूबाइड का क्षेत्रफल, ये क्यूब का वॉल्यूम बोल देगा, बोल देगा कि क्यूब का वॉल्यूम 729 स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर है, उसका एक एज बताइए। अब क्यूब नहीं याद है तो मुश्किल में फंस जाइएगा। तो क्या आपको करना है, इसको याद रखना है। इसके अलावा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक और बात बता दें, आप ना ऐसे टेबल ले लीजिएगा 2345 3241 2134 4518, ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे ही ऐसे ले लीजिएगा। टेबल हम जोड़ते हुए देखे हैं, हम इवन क्लास की बात हम बता रहे हैं इतना दिन में, कैलकुलेशन पर बहुत खराब स्थिति है लोगों का, जोड़ेंगे 3 2 5 6 7 8 9 10 ऐसे जोड़ते हुए हम देखते हैं, नहीं गलत बात है। कैलकुलेशन अगर ऐसा है तो रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा, 10 से ज़्यादा हो 10 तक तो है तो ठीक है, 10 से ज़्यादा हो गया तब बगल वाला आपको बोलेगा अपना हाथ दो, तो अपना 10 खत बगल वाले थोड़ा हाथ दो, तो बगल में लड़का है तो ठीक है, नहीं तो कुटा जाइएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ऐसे नहीं। देखिए, एडिशन का मतलब ये होता है कि आपका डिजिट पर, 8 डिजिट पर जाए और दिमाग कैलकुलेट कर ले। आज जोड़ेंगे भी ना लोग, कुछ लोग जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 5 10 10 1 11 11 4 15 15 8 23 23 का 3 हाथ में रह गया, 2 2 3 5 4 9 4 13 3 16 1 17 का 7 हाथ वाला हाथ में ही रह गया। हाथ में मत लेके जाइए, जोड़ने का मतलब, हम मेरा ये कहना है ना, जोड़ने का मतलब जैसे हम बता रहे हैं आप समझिए, जोड़ने का मतलब होता है ये 3 5 10 11 15 8 23। कैलकुलेटर मेरे से फास्ट नहीं ऐड कर सकता, आपको बता दें, कैलकुलेटर मेरे से फास्ट ऐड नहीं कर सकता है। और आपको बता दें, अगर यहाँ पर आपको एरर दिख जाए कैलकुलेटर से ऐड कीजिए तो बोलिएगा कैलकुलेटर गलत है, मैं गलत नहीं हो सकता।
मेरा एडिशन गलत नहीं हो सकता, हम कैलकुलेटर पे शक करते हैं अपने पे नहीं। तो गड़बड़ हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया कैलकुलेटर, क्या दिखा रहा। जोड़ने का मतलब ये होता है ना कि डिजिट पर, अब होता क्या है ना, मेरा माइंड इतना फास्ट कैलकुलेट करता है कि हम पीछे हो जाते, मतलब हाथ पीछे हो जाता है माइंड कैलकुलेट करने में डिजिट। और ये होना क्या, इसके लिए प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस किए, एक ही एडिशन ले लिए। अब जैसे 23 का 3 हुआ, मेरे पास कैरी 2 है, तो हम ऐसे जोड़े 4, 7, 11, 15, 18, 19। मतलब क्या, ये जो कर रहे हैं ना, इसको कैसे मेरा डेवलप हुआ, डेवलप या लोग शक भी कर लेते हैं मेरे पे। एक बार शादी में हम गए हुए थे, तो शादी में उधर आप लोग को पता होगा कि उसमें ना वो कुछ पैसा देते हैं लोग, डाला बोलते हैं, डाला में कुछ पैसा डाला जाता है, और उसमें एक आदमी बगल में कॉपी लेके और लिखते रहता है कि हाँ न्योता अमित कुमार 551, तो ये 700 कुछ कुछ ऐसे 1100 ऐसे करके लिखा हुआ रहता था। तो ऐसे एक बार कॉपी ऐसे कोई था बैठ के लिखा हुआ था, हम बगल में ऐसे यूं ही बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे तो वो एक पेज भर गया, तो जोड़ने लगा, तो वो 9, 3 ऐसे ऐसे जब तक कर रहा था तब तक हम जोड़ के बोल दिए इतना हुआ, वैसे देख लिया। और उसके बाद बोलता है क्या पहले से जोड़ के रखे थे। एक्चुअली ये मेरा आदत कैसे डेवलप हुआ हम बता दें, हमको ना आदत था डिजिट के को जोड़ते रहने का। कुछ काम आप यूं ही कर सकते हैं बिना यूजलेस, आप कुछ काम करिए कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाए। जैसे मोबाइल पर डिजिट कोई आता है, कोई नंबर ही आया, डायल कर रहे हैं, तो अब डायल कर रहे हैं, तो मेरा आदत है ऐसे डायल किए स्पीकर पे, उसको किए भाई रिंग होगा तब ना आगे का बात होगा। अब ऐसे भी कोई खास बात करना नहीं है जो स्पीकर ऑफ करके करें, तो स्पीकर ऑन है तब तक हम डिजिट को जो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 6, 15 ऐसे डिजिट को जोड़ दिए। ऑटो में पहले जब स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में ऑटो में जा रहे हैं, दिख गया BR01 कोई नंबर दिख गया, बी का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 18, 18 2 20, 18 2 36 कुछ गया, थोड़े बगल वाले को थोड़े बता रहे कि हम गुना करने, बोलेगा खिसक गया है। देखिए अल्फाबेट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है रीजनिंग में, ए का 1, बी का 2 ऐसे याद रहना, हम जिंदगी में कभी याद नहीं किया, अब उसके लिए जबरदस्ती का है को याद करना, अब उसके लिए रट रहे अपना समय, ये सब चीज़ में समय नहीं बर्बाद करना है, यूं ही हो जाएगा। अब वहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं डेली, वहाँ लिखा हुआ हायर एच का वैल्यू 8, ए का 1, आई का 9, ई का 5, आर का 18। देखिए DC इन्वर्टर लिखा, डी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, आई का 9, एन का 14, बी का 22, ई का 5, आर का 18, टी का 20, ई का 5, आर का 18। देखिए हमको ऐसे ही याद है, हम कभी जिंदगी में याद नहीं किए, अब इसको आप अल्फाबेट का वैल्यू याद कर रहे हैं, 8, 55 हो रहा है, 8 अल्फाबेट में उलटी है, तो 8 का वैल्यू H, 5 का वैल्यू E, 5E, 1 है तो 1A, ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया। ये सब यूं ही डे टू डे लाइफ में करिए, किसी के जैकेट पे कुछ लिखा देखिए आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए अल्फाबेट से डिजिट, डिजिट से अल्फाबेट, तो कुछ काम यूं ही कर लीजिए। तो आपको ये चीज करना है थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। 3 टाइप आपका हम क्लियर कर दिए, टाइम ओवर हो रहा है, टाइप 4 में हम लोग काम करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। ये सारा जितना भी बोर्ड पे लिखे हैं, सुन ले हड़बड़ाए नहीं, जो सारा बोर्ड पे हम लिखे हैं वो सारा एक मिनट शांत हो जाए, पहले 2 इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सुन लीजिए उसके बाद जाइएगा। हड़बड़ी क्या है, कहीं मिलने जाना है, तो फिर सुनिए, ये जितना चीज जितना पेज अभी तक पढ़ाए हैं वो सारा 2 जगह आपको मिल जाएगा, एक जगह ऐप पर और दूसरा जगह टेलीग्राम पर, RR कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, उस पे सारा पेज मिल जाएगा। तो जितना हर रोज जो भी होगा, अभी जस्ट अपलोड कर दिया जाता है, एक बात बताए। एक दूसरी बात आपको बता दें, 15-20 दिन पढ़ाएंगे, 20 दिन के बाद एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट तो रेगुलर एक सप्ताह के बाद हो जाएगा, 20 दिन के बाद एक टेस्ट लेंगे, 90 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, सुबह से शाम तक उनके पीछे मेहनत करेंगे, उसका कोई चार्जेज नहीं होगा, बस हम सिर्फ इसलिए पूरा टीम काम कर रहे हैं, 90 स्टूडेंट का सेलेक्ट करेंगे, पूरा जितना पढ़ा रहे हैं मैथ रीजनिंग इंग्लिश GS चारों मिला के टेस्ट लेंगे, 90 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और 90 स्टूडेंट के लिए स्पेशल मेहनत करेंगे। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कितना मेहनत करते हैं,
ठीक है, उनके पीछे स्पेशल मेहनत करेंगे, सुबह से लेकर रात तक उनका रजिस्टर बनेगा, उनका पूरा शेड्यूल बनेगा कि उसमें उनका क्या, उनका इम्प्रूवमेंट है, क्या चेंजेज है, पूरा तगड़ा मेहनत करवाएंगे और आपको बता दें 6 से 7 महीने में उनको ऑफिसर लाइक क्रिएट कर देंगे। और जो उस 90 के टीम में आ गए उनको हम लिख के दे सकते हैं कि वो 90 स्टूडेंट वो ऑफिसर बनना तय है, हम लिख के दे सकते हैं। हाँ, वो मेरे साथ टिक गए तो ठीक है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप 90 में कौन, जो टॉप से 90 में रहेगा, ताकत लगाइए ना, ताकत लगाइए अपना। पढ़ाई जो करवाते हैं सुबह से लेके 12 बजे तक, जितना पढ़ाएंगे 15 दिनों में जितना पढ़ाएंगे उसी से टेस्ट लेंगे, उससे बाहर से टेस्ट नहीं लेंगे। ओके, ओएमआर शीट दिया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा क्लास में रह के, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत पूरा शुरू करिए। एक बात, एक दूसरा इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आप में से भी हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हो, और या तो आप लोग भी में से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हो या आपके जान पहचान में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड हो, तो आपको बता दें आज इवनिंग में 7:30 कितने बजे, 7:30 से जीएस फाउंडेशन प्री बैच बीपीएससी के लिए अनाउंस्ड है। उसमें जो टीम काम कर रहे हैं वो आपको ऑफिसर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एक हैं अभिनव झा सर जो उसको लीड करते हैं, डॉक्टर अभिनव झा जो असिस्टेंट कमिश्नर है पटना में ही हैं, दूसरा देव सर हैं, देवानंद सर, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं पटना में ही पोस्टेड हैं, तीसरे अखिलेश सर हैं जो DYSP थे, 9th रैंक BPSC के DYSP थे, और वो DYSP के रूप में 3-4 साल काम किए, उसके बाद रिजाइन करके अभी पटना यूनिवर्सिटी पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि उनको टीचिंग से अटैचमेंट था इसलिए DYSP का पोस्ट छोड़ के साइंस कॉलेज ज्वाइन किए हैं। और वो और उनके साथ पूरा टीम, लगभग 20 लोगों का टीम उनके पीछे काम करने वाला है, तो वो शाम में शुरू हो रहा है 7:30 से। हाँ, सब एकदम वो फ्री है अभी तत्काल 8-10 दिन, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए 7:30 में, जिनको भी BPSC सब के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल बिहार में भी लोगों का क्रेज बहुत अब बढ़ा है BPSC की तरफ, तो जो लोग चाहेंगे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। ओके, और भी इंफॉर्मेशन जो आपके दोस्त लोग होंगे उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। किस चीज़ का क्लास है, BPSC मेंस बगल में, हाँ हॉल नंबर 2, ये बता दिए। और अभी जो आपका CET का बैच जो चल रहा है उस CET के बैच को एकदम कंटिन्यू रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, अभी बैठिए। कल के क्लास में आप हिस्ट्री का क्लास किए थे, कैसा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, इंजॉय आप करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका सिलेबस पूरा का पूरा कमांड कर देंगे हम लोग, पूरा का पूरा रिदम में प्रैक्टिस करवा के आपको तैयार कर देंगे। लेकिन आप चाहिएगा तब ना, आप ही नहीं चाहिएगा, आप सोचिए कि अच्छा आप थक गए, थकना नहीं है, हिम्मत के साथ लड़ना होगा, आपको अपने मन के साथ लड़ना होगा, नहीं तो मन बोले हाँ चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपके बीच में आ रहे हैं चंद्रा सर, उनका क्लास चलेगा, उसके बाद हाफ आवर का ब्रेक होगा, तब इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है। तो अभी क्लास में बैठे रहेंगे जितने लोग कंटिन्यू।